बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंग्लिश इन 90 सेकंड्स में खुश आमदीद। आज हमारा टॉपिक है कंडीशनल्स और इफ़ क्लॉज। अब कंडीशनल और इफ़ क्लॉज क्या होते हैं? ये एक कंडीशन होती है, जब वो हो जाए तो उसके पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं। तो कंडीशनल्स के या इफ़ क्लॉज के की चार कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले आती है ज़ीरो कंडीशन। अब ज़ीरो कंडीशंस क्या होती हैं? या तो ये जो है आपका ट्रूथ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या कोई प्रूविन साइंटिफिक फैक्ट हो, तो इसमें हम ज़ीरो कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, जब आप बर्फ़ पिघलाते हैं तो ये पिघल जाती है, तो दिस इज़ अ प्रूविन फैक्ट। तो इफ़ कंडीशन, इसमें याद रखें कि इसमें दोनों पार्ट जो होते हैं प्रेजेंट सिंपल रहते हैं, प्रेजेंट सिंपल रहते हैं, इसका रिजल्ट भी प्रेजेंट सिंपल रहता है कि अगर आप बर्फ़ को पिघलाएंगे ये पिघल जाएगी। तो उसके बाद सेकंड कंडीशन होती है। सेकंड कंडीशन क्या होती है? ये एक्चुअली पॉसिबल सिचुएशन होती है, पॉसिबल सिचुएशन होती है कि अगर, मगर जो है ये बेस करती है कि अगर कंडीशन अप्लाई की जाए तो। इफ़ कंडीशन अप्लाइड, तो ये एक पॉसिबल सिचुएशन होती है। तो इसमें हमेशा याद रखें कि फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट सिंपल होता है, फॉलोड बाय विल और वांट। इसमें एक सेंटेंस है कि इफ़ इट रेंस वी विल गो टू जिम, जब अगर बारिश पड़ी तो हम जिम जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो है प्रेजेंट सिंपल, सेकंड पार्ट विल, और उसके बाद सेकंड। अब सेकंड कंडीशन ये होती है, ये बेसिकली हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है, आर अनलाइकली सिचुएशन हम बोल सकते हैं इसको। अब इसमें याद रखें कि फर्स्ट पार्ट जो होता है वो पास्ट सिंपल होता है, और उसके अलावा फॉलोड बाय वुड। इफ पाकिस्तान वॉन द मैच इट वुड प्ले फाइनल्स, अगर पाकिस्तान ने मैच जीता तो फाइनल्स खेलेगा। और थर्ड कंडीशन जो होती है ये एक्चुअली होती है इमेजिनेटिंग डिफरेंट पास्ट। एक चीज़ पास्ट में हो चुकी है मगर ये इमेजिन करते हैं कि अगर ऐसा होता तो वैसा हो जाता। तो ये क्या होती है, हमेशा फर्स्ट पार्ट इन इस थर्ड कंडीशन का पास्ट परफेक्ट होता है, फॉलोड बाय वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, या पास्ट पार्टिसिपल भी हम बोलते हैं कि इफ आई हैड वर्कड हार्ड I would have passed CSS. अगर मैं मेहनत करता तो मैं CSS कर लेता। तो थर्ड कंडीशन में हमेशा याद रखें पास्ट परफेक्ट और would have followed by past participle or third form of the verb, और सेकेंड में हमेशा याद रखें कि past simple followed by would. Thank you so much.